नमस्ते श्रोताओं प्रस्तुत है मन्नू भंडारी जी की कहानी रानी माँ का चबूतरा खातिर हम क्या करेंगे काका बच्चों को सुलाते सुलाते देर हो गई फिर बूढ़ी काकी की ओर घूमकर बोली काकी कल धनों को भी रानी माँ के चबूतरे पर दिया जलाने के लिए ले जाना है यह रानी माँ का चबूतरा क्या है धन्नी ने कुछ कौतूहल से पूछा खरबूजे के सूखे बीज छिलते हुए काकी बोली वाह कल से तुम यहाँ आई हो और रामी ने तुम्हें चबूतरे की बात भी नहीं बताई क्या बताएं बेटी हम भगवान हैं जो रानी माँ के नगर में बसते हैं बड़ी भागवंती नारी थी आज भी मुझे वह दिन याद आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं और श्रद्धा से गदगद हो बूढ़ी काकी ने काम को बीच में छोड़कर स्वर्ग में बसने वाली रानी मां को प्रणाम किया वस्ती वालों के लिए यह कथा कोई नई नहीं, नहीं थी फिर भी दत्तचित्त होकर उस कथा को ऐसे सुनने लगे जैसे पहली बार ही सुन रहे हों स्त्रियों का तो ऐसा विश्वास था कि जितनी बार इस कथा को कहेंगी या सुनेंगी उनका पुण्य बढ़ेगा हाथों को माथे पर छुआकर फिर अपना छोड़ा हुआ काम संभाला और काकी बोली कोई दस साल पहले की बात होगी हमारे नगर सेठ के बेटे पर शीतला माई का कोप हुआ पानी की तरह पैसा बहाया वैध हकीमों का ताता लग गया पर शीतला माई तो कोई और ही खेल खेलने आई थी वे इन दवाइयों से क्यों शांत होती भला सब हार गए और शीतला माई बच्चे पर ऐसी जमकर बैठी कि ना उसे मरने दे ना जीने दे माँ तो सेवा करते करते सूख कर काटा हो गई न खाने की सोध न सोने की भाग से एक साधु द्वार पर आया रानी माँ की सूरत देखकर ही सारी बात समझ गया वह कोई ऐसा वैसा साधु भी नहीं शीतला माई का भेजा हुआ साधु ही था बोला बेटी तेरा बच्चा मौत के मुंह में है पर तेरे प्रताप से ही बचेगा सात दिन तू अन्न जल का त्याग कर दे तेरा बच्चा उठ खड़ा होगा रानी माँ के प्राण तो पहले ही आंखों में आए थे उस पर सात दिन अन्य जल का त्याग सब ने बहुत समझाया कि साधु की बातों में मत आओ पर वह नहीं मानी सो नहीं ही मानी सात दिन बाद बच्चा तो उठ खड़ा हुआ पर रानी माँ जाती रही काकी का गला भर्रा गया पास बैठी फूलों ने आंचल से आंसू पहुंच डाले धन्नी जिसने अभी तक बच्चे की सूरत नहीं देखी थी उसके मन में जाने कैसा शूल चुभने लगा काकी ने टूटा सूत्र जोड़ते हुए कहा सारा गांव इकट्ठा हुआ उस देवी के दर्शन करने को अर्थी ऐसे उठी कि राजा महाराजाओं की भी क्या उठेगी नगर ने बहू बीच में ही बात काटकर फूलों बोली केसर के छीटे की बात तो कही ही नहीं फिर उसने कुछ इस भाव से धन्य को देखा मानो कह रही हो इस घटना की रायरत्ती बात केवल काकी ही नहीं वह भी जानती है हाँ बेटी, जब उसकी अर्थी उठी, तो आसमान से केसर की बूंदे बरसी थी और तमाशा देखो इतनी भीड़ में से क्या मजाल जो एक छीटा भी दूसरे पर पड़ जाए बस खाली अर्थी पर ही पड़ रहे थे छीटे फिर सेठ जी ने अपने बगीचे में रानी माँ की याद में एक चबूतरा बनवाया हर पूरन मासी को नगर की औरतें वहाँ दिया जलाने जाती हैं अपने बच्चों के लिए मनौती मानती हैं रामी ने जरा काकी की ओर झुककर फुसफुसाते स्वर में कहा धन्नी को भी इसीलिए बुलाया है काकी कि कल इससे दिया जलवा दूं। ब्याह को चार साल होने आए अभी तक कोख नहीं फली एक दो साल और बीत गया तो वह किसी और को घर में डाल लेगा जरूर दिया जलवा भगवान करेगा तो साल बीतते ना बीते गोद में बाल गोपाल खेलने लगेगा रानी माँ का आशीर्वाद कभी अकारत नहीं जाने का धन्नी लजा गई साथ उसने यह भी महसूस किया कि यहाँ आकर उसने अच्छा ही किया काकी से जरा दूर बैठा गोपाल जो बस्ती का सबसे मस्खरा जवान था बोल उठा काकी मैं तो तुम्हारा और तुम्हारी रानी माँ का कमाल तब मानू जब तुम गुलाबी को रास्ते पर लगा दो ना मत ले उस चुड़ैल का मेरे सामने वह कोई माँ है कसाइन है कसाइन नहीं तो रानी माँ के चबूतरे में तो वह ताकत है कि पत्थर में भी ममता उपज जाए पर वह तो हेकड़ी वाली ऐसी कि कभी उधर मुंह भी नहीं करती भगवान करे उसका सत्यानाश हो जाए सारी बस्ती पर किसी दिन पाप ला देगी काका ने स्वर को जरा कोमल बनाकर कहा क्यों कोस रही है जेठा की माँ बेचारी मुसीबत की मारी है तुम्हारा तो दूध ही झड़ता रहता है उसके लिए बड़ी मुसीबत मारी है गुलाबी के प्रति काका की इस सहानुभूति से चिड़कर काकी बोली मुसीबत की मारी है तो सारी बस्ती मदद करने को तैयार है पर वह तो हेकड़ी वाली ऐसी कि अपना ठेंगा ऊपर रखेगी अरे मैं तो कहूं जो अपने आदमी को झाड़ू कर निकाल दे वह किसकी सगी होगी जब आदमी तो उसका था ही ऐसा कि मार कर निकाल दिया जाए वह पसीना बहाकर कमाती और वह घर में बैठा दारू पीता आखिर उसे दो बच्चे भी तो पालने थे काका ने फिर गुलाबी का पक्ष लिया काकी तेश में आ गई और बात रानी माँ से सरक कर गुलाबी पर आ लगी बच्चे पाल रही है मुँह सवेरे उस काल कोठरी में बंद करके जाती है तो शाम को आकर खोलती है गुलाबी के बगल की कोठरी में रहने वाली रामी बोली काकी धनी तो आज ही कह रही है कि जीजी जी मुझे दिला दो एक बच्चा मैं पाल लूंगी वह क्यों देने लगी वह तो उन्हें कोठरी में बंद करके मारेगी काकी अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि दूर खड़ी एक छायाकृति पास आई और बोली मारूंगी तो अपने बच्चे को मारूंगी तेरे बच्चे को तो नहीं मारूंगी। तू क्यों मेरे बच्चों की चिंता में सूख रही है खबरदार जो आगे से नाम लिया मेरे बच्चों का बड़ी धर्मात्मा बनी बैठी है गुलाबी की उपस्थिति से क्या स्त्री वर्ग और क्या पुरुष वर्ग दोनों ही जरा चौक पड़े काकी ने बात संभालते हुए कहा क्यों बिगड़ रही है गुलाबी हम तो तेरे भले की ही बात कह रहे हैं बंद करके जाती है कभी गर्मी में अंदर के अंदर ही घुटकर मर गए तो मर गए तो पांच पैसे का प्रसाद चढ़ाऊंगी पर मरे भी तो मेरी जान को लगे हुए निगोड़े तू तो प्रसाद चढ़ाएगी पर सारी बस्ती को तो हत्या लगेगी हमें क्यों पाप में सान रही है आहा बड़े आए बस्ती वाले पहले कोठरी खोल कर जाती थी तो मेरा छोरा सरकते सरकते मोरी में आकर गिर गया किसी ने उठाया तो नहीं बड़े अपने बनते हैं छोरा भी तो जाने किस माटी का बना हुआ है सारे दिन मोरी के सड़े पानी में सड़ता रहा पर मरा नहीं मर जाता तो पाप कटता गुलाबी क्रोध में बड़बड़ाती गली के नल पर चली गई कहो काकी कैसी रही गोपाल तो ने छेड़ते हुए पूछा कौन मुंह लगे चुड़ैल के पर काकी का मन इतना खिन उठा कि वे अपने बीजों की पोटली उठाकर चल दी धीरे धीरे सभी उठ गए और चबूतरे की सभा विसर्जित हो गई सवेरे सात बजे की सीटी बजी तो गुलाबी ने एक झटके के साथ अपनी कोठरी का दरवाजा बंद किया उसे बगल की कोठरी में से राम धन्नी की फुसफुसाहट सुनाई दी बिना पूरी बात सुनते ही वह भवा जितनी बातें बना सको बना लो चुड़ा लो मैं तुम्हारी दबैल नहीं डर जाऊंगी रामी ने वहीं बैठे बैठे हाक लगाई अपने रस्ते लग गुलाबी किसका ही या फूटा है जो सवेरे सवेरे तुझ नाश पीटी का नाम लेगा गुलाबी कुछ कहती उसके पहले ही उसके दो साल के बच्चे का कदन कोठरी की दीवारों को चीरकर गली के सुनसान वातावरण में फैलने लगा झल्ला उसने कोठरी खोली और अपनी नौ साल की लड़की मेवा की पीठ पर एक लाद जमाते हुए बोली नौ बरस की थी हो गई एक बच्चा नहीं रखा जाता चल उसे गोद में उठा कर रख और उसी झल्लाहट में उसने कोठरी बंद कर दी और दौड़ पड़ी साथ की सीटी बच चुकी थी और वह जानती थी कि अब यदि वह सारा रास्ता दौड़कर ही पार नहीं करेगी तो ठेकेदार वहाँ बैठी अनेक उम्मीदवारों में से किसी को भी काम दे देगा और वह आज की मजदूरी से जाती रहेगी फिर वह सत्तू नहीं ला सकेगी दाल नहीं ला सकेगी उसने गति और बढ़ा दी उस समय वह भूल गई कि रामी ने उसे नासपेटी कहा है या उसका बच्चा रो रहा है शाम को वह लौटी तो क्लांत हाथों से उसने अपनी कोठी का दरवाजा खोला देखा मेवा एक कोने में लुढ़की पड़ी सो रही है और दो साल का वह मांस का लोथड़ा मेले में सना हुआ मिमिया रहा है रोने की ताकत तो उसमें शायद रही भी नहीं थी गुलाबी ने एक पूरे हाथ की धौल कोने में सोती हुई छोरी की पीठ पर जमाई पड़ी पड़ी सो रही है चुड़ैल चल उठ का चूल्हा जला और वह उस मैल में सने बच्चे को उठाकर गली के नल पर चली बराबर उसके मुंह से गालियां बरस रही थी चबूतरे पर उस समय काका अकेले बैठे थे गुलाबी को बड़बड़ाती हुई जाते देखा तो टोक दिया किसे कोस रही है गुलाबी अरे कभी तो तू भी हंस बोल लिया कर हंस बोलकर मुझे किसी को रिझाना नहीं बड़े आए हैं सीख देने वाले तुम्हें तो नहीं कोस रही कोस रही हूं उस दारूखोर को जो मेरी जान को ये कीड़े मकोड़े छोड़ गया और मैं तो तेरे भले की बात कह रहा हूँ चार जनों के बीच आकर बैठा कर तो तेरा भी मन बहल जाए पर तू तो सबको काटने को दौड़ती है हाँ हाँ मैं तो कटखनी हूं क्यों मेरे मुंह लगते हो ज्यादा बकवास की तो दो चार तुम्हें भी सुना दूंगी बड़े आए हैं दर्द दिखाने वाले और वे भन्नाती हुई नल पर चली गई छोकरे को धोया कपड़ा धोया और बड़बड़ाती अपनी कोठरी की ओर चल पड़ी काका ने उसे फिर नहीं टोका चूल्हे पर दाल चढ़ाकर बच्चे को गोदी में लेकर वह सुस्ताने लगी सारे दिन की कैद भोग कर मौका पाते ही मेवा कोठरी से बाहर भाग गई जब दाल सत्तू तैयार हो गया तो गुलाबी ने मेवा को खाने के लिए आवाज दी मेवा आई तो उसके हाथों में कांच की हरी चूड़िया चमक रही थी गुलाबी की नजर पड़ते ही उसने पूछा ये कहां से लाई री मेवा चुप मैं पूछती से लाई मेवा चुप। सुना ही नहीं देता क्या बहरी हो गई है और तड़ातड़ -तर चाटे पड़ गए उसके गाल पर चोरी करके लाई है ना आज सब तो चबूतरे पर दिया जलाने गए हैं किसी के घर में से चुरा लाई क्यों चोटी हरा जादी मुंह से गालिया और हाथों से चाटे पड़ने लगे मेवा ने चीख चीख कर सारी गली को सिर पर उठा लिया तभी दिया जलाकर लौटी हुई रामी धन्नी आ पहुँची अरे अरे छोरी के प्राण लेगी क्या मेवा को अपनी तरफ खींचती हुई रामी बोली मैं इसकी खाल खींच कर रख दूंगी तो बीच में मत बोल रामी नहीं तो सच कहती हूँ दो हाथ तेरे भी पड़ जाएंगे मेरी छोरी चोरी करे चोरी करे और उसका स्वर भिज गया देखते देखते खासी भीड़ जमा हो गई जरा सा अवसर मिलते ही गुलाबी फिर एक चाटा जड़ देती बूढ़े काका मेवा को दूर ले गए तब गुलाबी चिल्लाई छोड़ दो काका मेरी छोरी को ले गए तो ठीक नहीं होगा आज तुम बचाने आए हो कल तुम ही लोग उसे चोटी कहते फिरोगे किसी ने स्थिति को संभालने के लिए कहा चोरी नहीं की है उसने वह तो रामेश्वर ने उसे दी है नाहक मार दिया बच्ची को दी है तो क्यों दी है हम क्या भिकमे हैं जो किसी का दिया पहनेंगे आज मेरे घर में कोई मूछो वाला नहीं बैठा है तो सब लोग भीख देने चले हैं थू है उन पर बड़े आए हैं दया दिखाने वाले मेवा को काका के पास सुरक्षित समझ कर सोचा कि अब इस गुलाबी से बहस करना बेकार है एक की चार सुनने को मिलेंगी सो सब चुपचाप खिसक लिए धन्नी जो आज रानी माँ के चबूतरे पर दिया जलाकर जाने कैसी कैसी आशाएं मन में सजो कर आई थी बोली जब ये किसी की बात सुनती ही नहीं तो तुम लोग क्यों इसके पछड़ों में पड़ते हो जीजी लड़ाई झगड़ा तो चलता ही रहता है सवेरे नल पर देखा है ना कैसे गाली गलौज होती है सिर्फ फुटोवल की नौ बता जाती है पर सांज को सब जैसे के तैसे चार जने रहते हैं तो कहना सुनना तो चलता ही रहता है बहन गुलाबी ने कांच की चूड़ियों के टुकड़े बटोर कर अपने लिए जगह बनाई और बच्चे को लेकर सो गई उस रात उसके यहाँ खाना पीना नहीं हुआ काका मेवा को लाकर छोड़ गए तब उसे मालूम पड़ गया वह पर कुछ बोली नहीं एक बात ही उसके मन में घूम रही थी कि उसकी लड़की ने चोरी की चोरी की पिछले दो दिनों से चबूतरे की बैठक का विषय है सरकार की ओर से खोला हुआ शिशु सुरक्षा केंद्र काका ने कहा भगवान भला करे सरकार का सरकारी स्कूल खोल दिए जहां बच्चे मुफ्त में पढ़ लेते हैं छोटे बच्चों के लिए यह केंद्र खोल दिया अब औरतें भले ही काम करें पाँच रुपये महीने में दवाई दारू भी कर देते हैं हाँ काका मैं देख कर आई हूँ छोटे छोटे पालन बने हैं ढेर सारे खिलौने हैं दाइयाँ हैं बच्चों को शीशी से दूध पिलाया जाता है पालनों में सुलाया जाता है बड़े आराम से रखते हैं धनी ने सोचा उसको बच्चा होगा तब वह यहीं आकर रह जाएगी उसके गांव में तो ऐसा होगा नहीं अपने बच्चे को पालने में सुलाने और शीशी से दूध पिलाने का सपना उसकी आंखों में साकार होने लगा गोपाल बोला गुलाबी से कहो काका कि अपने बच्चे को वहां भर्ती करवा दे तू ही कहना बड़ा आया है गुलाबी का हेतु याद नहीं है जब मेवा को स्कूल में डालने को कहा था तो कैसे गुर थी तुम लोग तो बावलो जैसी बातें करते हो मेवा को वह स्कूल में डाल देती तो उस छोरे को कौन रखता तो अच्छी तरह मना करती मैं तो बस काटने को दौड़ती है अरे धीरे बोल काकी नहीं तो अभी कहीं से निकल बम गिराने लगेगी जब उसकी बात करो तभी टपकी पर उस दिन गुलाबी नहीं टपकी दूसरे दिन चबूतरे पर बैठक लगी तब भी इसी तरह की चर्चा चल रही थी गुलाबी अपनी लड़की मेवा को ढूंढते हुए आई तो काका ने बात चलाई अरे गुलाबी देख तेरे छोरे के लिए सरकार ने केंद्र खोल दिया है वहाँ नाम लिखा दे अपने बच्चे का सरकार मेरी खसम है ना जो केंद्र खोल देगी मेरे लिए यह सब तो पैसे वालों के चोचले हैं मेरे कौन मरद कमाने बैठा है जो पांच रुपये महीना दे दिया करेगा बस्ती वाला चंदा कर देंगे री तू जाकर नाम लिखा किसी के दान पुन पर पलने वाली नहीं है गुलाबी थूकती है तुम्हारे चंदे पर और अपनी लड़की को घसीटती हुई गुलाबी वहां से चली गई लो और खाओ लड्डू काकी ने चुड़ाते हुए कहा बिना गुलाबी से दो चार सुने इन्हें चैन नहीं। आज रामी नहीं आई बात का प्रसंग बदलने के लिए काका ने पूछा धन्नों को विदा करने गई है और इधर उधर की बातें करके सभा समाप्त हुई दूसरे दिन गुलाबी ने उठकर उसकी कोठरी की दीवार पर लगाए हुए सुरक्षा केंद्र के विज्ञापन को फाड़ फेंका जहाँ कहीं भी उसे विज्ञापन दिखाई देता वह उसे फाड़ डालती लोग देखते तो हंसते भरी दोपहरी में गुलाबी रेत की तगारियाँ उठा उठा कर पकड़ा रही थी कुछ औरतें एक देहाती गीत गा रही थी और छत कूट रही थी ठेकेदार रह रहकर कुछ आदेश देता जा रहा था गुलाबी का ध्यान अपने काम में था पर अचानक ठेकेदार का स्वर उसके कान में पड़ा पूरी बात तो वह नहीं सुन पाई बस इतना सुना इस तरह की जरासी आंधी पानी की घरों की छतें टूट जाती हैं जरा अच्छी तरह उसने आसमान की तरफ देखा कहीं बादल नहीं थे फिर भी उसका हाथ रुक गया और उसके सामने उसकी कोठरी की टूटी फूटी छत घूम गई यदि किसी दिन छत गिर जाए तो हाथ चलाए ना कड़क कर बगल वाली औरत ने कहा मैं कब से रेत की तगारी लिए खड़ी थी एक, एक गुलाबी को होश आया चला तो रही हूँ कौन तेरे बाप की नौकर हूं जो हुक्म चला रही है शाम को गुलाबी घर पर लौटी तो ठेकेदार से थोड़ी सी सीमेंट और चूना मांग लाई खा पी कर जब सब सो गए तो गुलाबी के घर से खटर पटर की आवाज शुरू हुई गले में सोए हुए गोपाल ने पूछा आधी रात को क्या कर रही है गुलाबी तेरी कबर खोद रही हूँ जाने किससे लोग हैं इस बस्ती के गुलाबी के काम में टांग अड़ाए बिना इन ससुरों की रोटी हजम नहीं होती मर चुड़ैल और गोपाल सो गया उस दिन सारी रात कोठरी में कुछ ना कुछ होता ही रहा दूसरे दिन रामी ने आकर चबूतरे की बैठक पर सूचना दी कि गुलाबी काम से लौटी खाया पिया और फिर बच्चों को बंद करके कहीं चली गई जब रामी ने पूछा तो गुर्राकर बोली, जा रही हूँ अपने खसम से याराना करने तू भी चलेगी क्या साथ ही रामी ने यह भी बताया कि उस बात को घंटा भर हो गया है पर अभी तक गुलाबी नहीं लौटी बच्चे दोनों बंद पड़े हैं कुछ कौतूहल और कुछ उपेक्षा मिश्रित क्रोध से सारी बैठक गूंजने लगी क्यों गई कहाँ गई इस तरह तो बच्चे मर जाएंगे कैसी मां है आदि अनेक बातें उठी और खत्म हो गई जानने की इच्छा सबके मन में थी, पर किसी में साहस नहीं था, जो आने पर उससे पूछ सके गुलाबी का यह काम जब दैनिक हो गया तब तो कौतूहल का निवारण परम आवश्यक हो गया बिना उस बात को जाने सबका जीना जैसे दुभर हो गया काका ने अनुमान से कहा कहीं चौका बर्तन का काम करने जाती होगी और कहा जाएगी बेचारी तुम्हारे लिए होगी बेचारी काकी ने गुर्राते हुए कहा हत्यारे इन कहीं की क्यों जाती है चौका बर्तन करने मजदूरी में क्या गुजर नहीं होती मुझे तो इसके लक्षण अच्छे नहीं लगते बच्चों की जान ले लेकर धन कमाएगी क्या करना है उसे पैसे का क्यों पर निंदा करती हो उसकी वह जाने बाहर से आते हुए गोपाल ने कहा काका चलो तुम्हें सिनेमा दिखा लाऊं पर काकी को इस समय यह मजाक नहीं भाया मैं गुलाबी की ही बात सोच रही थी उसने धीरे से रामी से कहा तू तो उसके पास वाली कोठरी में रहती है जरा नजर रखा करना उधर दस बारह दिन हो गए और ये पता नहीं लगा कि आखिर वे चुड़ैल बच्चों को बंद करके जाती कहाँ है कोशिश तो करती हूँ काकी पर पता नहीं लगता एक दिन तो मन हुआ कि पीछे पीछे जाऊं पर उस मोहसी का क्या भरोसा पलटकर हाथ ही चला दे पंद्रह दिन और बीत गए पर कोई नहीं जान सका कि गुलाबी कहाँ जाती है कुछ तो रहस्य का उद्घाटन न होने के कारण और कुछ बच्चों की यातना देखकर सबका आक्रोश पड़ता जा रहा था पर गुलाबी से पूछने का साहस किसी को नहीं होता उस दिन भी बैठक में यही बातें हो रही थीं, कि रामी ने आते ही खुशखबरी सुनाई देखा काकी रानी माँ के चबूतरे पर जलाया दिया कभी अकारत नहीं जा सकता धनी के गांव से चिट्ठी आई है उसका मांझपन आखिर दूर हुआ काकी ने श्रद्धावश रानी माँ के आगे हाथ जोड़ दिए गोपाल जब भी काकी को इस मुद्रा में देखता है मजाक करने के लिए उसका मन मचलने लगता है। बोला, काकी, सारी बस्ती पर तेरा इतना रौब है तो गुलाबी से दिया नहीं जलवा सकती है कल पोनो है दिया जलवा दे तो तेरा रौब मानू वह जाए ही नहीं तो मैं क्या करूं झल्लाकर काकी ने कहा तू कहे तो मैं कंधे पर उठा कर ले जाऊं हंसते हुए गोपाल ने कहा जाने कब से गुलाबी वहां खड़ी थी यह बात सुनी तो आग बरसाने लगी आया है बड़ा गुलाबों को ले जाने वाला हाथ तो लगा कर देख असल मर्द का बच्चा हो तो आ जाना कल फिर औरतों को लक्ष्य करके बोली तुम ही माँ बन बन कर लड़ लड़ाओ अपने बच्चों के और दिया जलाओ चबूतरे पर मैं तो कसाइन हूँ हत्यारिन हूँ जब ये नाशपीटे मर जाएंगी उस दिन इकट्ठा ही दिया जलाऊंगी बड़ी सब गुलाबी की चिंता कर कर के मरी जा रही है चुड़ैल और वे अंधेरे में में ही गायब हो गई दूसरे दिन जब सब घरों चबूतरे पर जाने की तैयारियां हो रही थी गुलाबी अपनी कोठरी में बैठकर बच्चों के लिए सत्तू घोल रही थी सत्तू घोल उसने मेवा के सामने सरका दिया मेवा ने पूछा तू क्या खाएगी मुझे भूख नहीं चुपचाप खा ले कल भी तो तूने कुछ नहीं खाया था माँ कह रही हूं ना खाली चुपचाप सो नहीं होता जीभ लड़ाई जा रही है बैठी बैठी तू तो आजकल जरा सा सत्तू लाती है माँ अपने लिए नहीं लाती गुलाबी ने तड़ाक से एक चाटा जड़ दिया सत्तू खाती है कि मार खिलाऊं दोनों बच्चे जब खाना पीना समाप्त कर चुके तो गुलाबी ने हंडिया से पैसे निकाले बड़ी सावधानी से उन्हें आंचल में बांधा और जैसे ही मुड़ी तो देखा रामी दरवाजे पर खड़ी उधर ही देख रही है बिना एक शब्द बोले उसने दरवाजा बंद किया और वह चली गई जब सारी औरतें वहां इकट्ठी हो गई तो रामी बोली दैया रे आज गुलाबी ढेर सारे पैसे आंचल में बांध कर गई है वापस लौट आए तो समझना पैसे बांध कर हाँ हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है मुझे तो लगता है चौका बर्तन की आड़ में और ही कोई लीला चल रही है कौन उस पर नियत बिगाड़ेगा सूखा छुआरा तो है मर्दू का कोई भरोसा नहीं जो ना कर गुजरे सो थोड़ा रामी मुस्कुराई जब दिया जलाकर औरतें लौटी तो देखा कि गुलाबी की कोठरी वैसे ही बंद थी जल्दी जल्दी कपड़े उतार कर चबूतरी पर बैठक हुई सारी बातें बड़ा चढ़ा बताई गई रोज कब तक लौट आती थी काका ने पूछा इस समय तक तो लौट आती थी रामी ने कहा आज तो वह नहीं लौटने की सारी बस्ती का मुँह काला कर गई चुड़ैल उसके बच्चों को कौन पालेगा आप चूल्हे में जाए उसके बच्चे माँ होकर जब उसे ही दर्द नहीं आया तो हमें ही क्या पड़ी है गोपाल ने कहा चाहे कुछ भी खर्च हो जाए कल ही जाकर रानी माँ के चबूतरे के पास ही गुलाबी का एक चबूतरा बनवाऊंगा जब वहां दिया जलाने जाओ तो लगे हाथ ही गिन गिन कर दस जूते इसके चबूतरे पर भी मार आया करना तभी काका ने सबका ध्यान गली के मोड़ की ओर आकृष्ट किया चांदी के प्रकाश में सबने देखा कि गली के ही दो आदमी गुलाबी के अचेत शरीर को उठाकर ला रहे हैं चबूतरे की सारी भीड़ उस दौड़ पड़ी क्या हुआ कहाँ थी बेहोश कैसी हो गई प्रश्नों की झड़ी सी लग गई सबको वहीं छोड़कर काकी और रामी ने उसके अचेत शरीर को संभाला और रामी की कोठरी में लटा दिया काका अंदर आ गए बाकी भीड़ को बाहर ही रखा पानी के छिटे डालो और हवा करो काका ने कहा रामी उठकर पानी लाई और काकी हवा करने लगी उसका आंचल हटाया तो बोली हाय राम, इसका पेट तो पीट से चिपक रहा है लगता है है। मानो दो, तीन दिन से कुछ खाया ही नहीं है। रामी थोड़ा सत्तू हो तो घोल कर ला देख रही हो काका ने अपनी नजर गुलाबी के सूखे मुरझाए चेहरे पर टिकाए हुए कहा एक महीने में क्या से क्या हो गई जैसे बुढ़ापा आ गया हो एक महीने से मैंने इसे पास से ही नहीं देखा था और देखो इसके कपड़े ढीले कर दो मज़ भी तो कितनी है काकी ने अंगिया के बंद ढीले कर दिए तो अंगिया में से कागज की एक पुड़िया सरक कर जमीन पर गिर गई काका ने कहा देखे क्या है काकी ने पुड़िया पकड़ा दी काका ने दिए के धीमे प्रकाश में पुड़िया को खोला तो देखा कांच की दो छोटी छोटी हरी चूड़ियाँ और शिशु सुरक्षा केंद्र की पाँच रुपए की रसीद थी धन्यवाद